All of you, today I am going to start chapter 6 decimal in exercise 6A question number 1. Convert the following into the like decimals. Students, इसमें हमें like decimal में अपने जो numbers दिए गए हैं इन्हें convert करना है. Okay? Like decimals मतलब decimal के बाद के सारे number जो है वो क्या होने चाहिए, equal होने चाहिए. अब जैसे यहाँ पे 1.24, सेकेंड है 3.5, नेक्स्ट 4.809 एंड 6. सो स्टूडेंट्स, इसे हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? इसमें जो हमारा देखिए, इस जो हाईएस्ट नंबर है पॉइंट के बाद, यहाँ पे देखिए 3 डिजिट है, बाकी यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है. तो हम सभी के पॉइंट के बाद जो प्लेसेस है वो सेम करेंगे. तो पहला जो है हमारे पास 1.24, 2 डिजिट है और हाईएस्ट डिजिट हमारे पास 3 है. तो क्या करेंगे, इसमें हम 10 बढ़ा के सभी की डिजिट सेम करेंगे. मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.240. नेक्स्ट का क्या है, 3.5, 1 डिजिट है तो इसमें हम 2 जीरोस बढ़ा देंगे तो ये भी होगी 3 डिजिट. ओके, नाउ नेक्स्ट है 4.809, इसमें ऑलरेडी 3 डिजिट्स है इसलिए इसे ऐसे ही रखेंगे. नाउ लास्ट वन इज 6 है तो हम पॉइंट लगा के 1, 2, 3 जीरोस बढ़ा देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती है. ओके, तो इसको हम इस तरह से सभी का ये सेम कर देंगे पॉइंट के बाद सबकी डिजिट, तो ये क्या हो जाएगा, लाइक डेसिमल्स. ओके, तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हमें सारे क्वेश्चंस को करना है. सभी में हमें पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स है उनको सेम करना है. जैसे फर्स्ट वाला देखिए, इसमें फर्स्ट मीन्स सी वाला, इसमें 200 है, पॉइंट के बाद कोई डिजिट्स नहीं गई है. इसमें हमारी हाईएस्ट डिजिट क्या है, 1, 2, 3 है तो कितने जीरोस बढ़ाएंगे हम, 3. नेक्स्ट में 56.9 है तो 2 जीरोस बढ़ा देंगे. नेक्स्ट 3.606, 3 डिजिट ऑलरेडी है. नाउ नेक्स्ट 4.450. ओके, तो इसी तरह से हम सभी का डेसिमल के बाद सभी को मतलब सेम करेंगे, सबको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, टिक द ऑड वन आउट. क्वेश्चन नंबर सेकंड में अब हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा अलग है. तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए, 12.9, 12.90, 12.09 और 12.900. इसमें हमें बताना है कि किसकी वैल्यू डिफरेंट है. तो देखिए स्टूडेंट, 12.9, 12.90, तो ज़ीरो अगर हम हटा देते हैं तो क्या हो गया, 12.9 हो गया. यहाँ पर 12.9 पॉइंट के बाद हम सिर्फ एक वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, एक डिजिट. तो अगर हम यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट हटा दे रहे तो ये हो गया 12.0 और ये लास्ट में देखिए 12.9, तो इसमें हमने ये दोनों ज़ीरो हटा दिया. मतलब इन तीनों की वैल्यू सेम है, सिर्फ इसकी जो है वो डिफरेंट है, तो ये नंबर क्या हो गया, ऑड वन आउट. ओके, नेक्स्ट में देखिए 15/100, 15/1000 और 0.15 और 0.150. इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑड वन आउट है. सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पॉइंट्स में है तो हम सभी को पॉइंट्स में ही लगा लेंगे. और देखिए यहाँ पे पॉइंट्स कैसे लगाया जाता है, नीचे में जितने जीरोस होंगे, मतलब ये 10, 100, 1000, 10,000, 1,000,000, ये प्रोसीजर सिर्फ इन्हीं नंबर्स के लिए है. तो यहाँ देखिए 3 जीरोस है तो हम ऊपर 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3 डिजिट नहीं है तो हम पॉइंट बढ़ा के फिर ज़ीरो लगा दिए. ओके, यहाँ पे 2 जीरोस है तो ऊपर में हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे. अब देखिए ये हमने पॉइंट ऊपर लगा दिए तो ये हट गया, तो अब क्या हो गया, ये 0.15, 0.015, 0.15, 0.15. तो बताइए इसमें ऑड वन आउट क्या है. यस, ये नंबर हमारा ऑड वन आउट है. क्यों? क्योंकि सभी देखिए 0 पॉइंट के बाद डिजिट है और इसमें देखिए 0.0 दिया है, सभी में 0. डायरेक्ट 15 है. ओके, तो ये नंबर ऑड वन आउट हो गया है. ओके स्टूडेंट, सो इसी तरह से आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी करने हैं. ओके क्लास, थैंक यू.